प्रश्न एक, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? उत्तर, लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से दो व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा, वे थे लेखिका के पिताजी और लेखिका की हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल। पिताजी ने लेखिका को राजनैतिक बहसों में शामिल करके देश और समाज के प्रति जागरूक बनाया। इसके साथ ही उन्होंने उसे रसोई घर और सामान्य घर गृहस्थी के कामों से दूर रखकर प्रतिभाशाली व्यक्तित्व प्रदान किया। हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका को क्रियाशील, जागरूक और आंदोलनकारी बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी जोशीली बातों से लेखिका के मन में बैठे संस्कारों को कार्य रूप दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने लेखिका को क्रांतिकारी और विद्रोही बनाया। प्रश्न दो, इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? उत्तर, इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर इसलिए संबोधित किया है क्योंकि भटियार खाने में खाना पकाना चलता रहता है। रसोई घर में व्यस्त रहने वाली लड़कियों की प्रतिभा व्यर्थ नष्ट हो जाती है, इसलिए लेखिका के पिता अपने बच्चों को घर गृहस्थी या चूल्हे चौके तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, बल्कि वे उन्हें चूल्हे चौके के काम से हटाकर जागरूक नागरिक बनाना चाहते थे। अतः उन्होंने रसोई घर की उपेक्षा करते हुए उसे भटियार खाना संबोधित किया है। प्रश्न तीन, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर? उत्तर, एक बार कॉलेज की प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को पत्र लिखकर कॉलेज में बुलाया। पिता को लगा कि उनकी पुत्री ने कॉलेज में अवश्य कोई गंभीर शरारत की होगी, अतः पत्र पढ़कर वे भड़क उठे क्योंकि वे पहले से ही लेखिका के विद्रोही रुख से परेशान रहते थे। उन्हें लगा कि इस लड़की के कारण उन्हें सिर झुकाना पड़ेगा, इसलिए वे बड़बड़ाते हुए कॉलेज गए। जब वे कॉलेज पहुंचे तब उन्हें पता चला कि उनकी लड़की तो सब लड़कियों की चहेती नेत्री है। वे प्रिंसिपल की बात न मानकर उसकी ही बात मानती हैं और उसके कहने पर सब लड़कियां क्लास छोड़कर मैदान में आ जाती हैं, इसलिए प्रिंसिपल का कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है। यह सुनकर पिता का सीना गर्व से फूल गया और वे यह सुनकर गदगद हो गए। उन्होंने प्रिंसिपल को उत्तर में यही कहा कि ये आंदोलन तो वक्त की पुकार है, इन्हें कैसे रोका जा सकता है। जब लेखिका की मां ने पिता की कही बात लेखिका को बताई तब वह यह सुनकर अवाक रह गई। उस समय न उसको अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था और न अपने कानों पर, यह हकीकत थी। प्रश्न चार, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए अथवा एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर बताइए कि लेखिका के अपने पिता से क्या वैचारिक मतभेद थे। उत्तर, लेखिका के पिताजी का स्वभाव क्रोधी, शक्की व अहंवादी था। वे लेखिका को देश समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे, लेकिन वे उसे घर की चारदीवारी तक ही सीमित रखना चाहते थे। लेखिका को पिता की यह सीमा स्वीकार नहीं थी, वो सक्रिय रूप से आंदोलनों में भाग लेना चाहती थी। लेखिका ने पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह किया था, इससे लेखिका की उनसे वैचारिक टकराहट थी। प्रश्न पांच, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नूजी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। उत्तर, सन 1942 से 1947 तक का समय स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। इस काल में पूरे देश में देशभक्ति की भावना अपने पूरे जोश के साथ बह रही थी। जगह जगह पर आंदोलन हो रहे थे, जुलूस और प्रभात फेरियां निकाली जा रही थी। स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थी अपनी अपनी कक्षाओं को छोड़कर जुलूसों और प्रभात फेरियों में शामिल हो रहे थे। ऐसे देशभक्ति के वातावरण में मन्नू भंडारी भी अपना उत्साह और जोश दिखाने में पीछे नहीं रही। उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जुलूसों और प्रभात फेरियों में खुलकर भाग ही नहीं लिया, बल्कि अपने सहपाठियों और सहयोगियों को भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। लड़कों के बीच उन्होंने खुलकर नारेबाजी की और भाषण दिए। इतना ही नहीं, उनके इशारे पर पूरी कॉलेज की छात्राएं आंदोलन में भाग लेने हेतु सक्रिय हो गईं। इस प्रकार इन आंदोलनों में मन्नू की भूमिका एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी की ही रही। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न छह, लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चारदीवारी तक सीमित था।
क्या आज की लड़कियों के लिए स्थितियां ऐसी ही हैं या बदल गई हैं? अपने परिवेश के आधार पर लिखिए। उत्तर, लेखिका ने तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार अपने भाई बहनों के साथ गुल्ली डंडा खेलने तथा पतंग उड़ाने के खेल अपने घर की सीमा के अंदर ही खेले, लेकिन उस जमाने में घर की दीवारें केवल अपने घर तक ही सीमित नहीं थी बल्कि एक दृष्टि से पूरे मोहल्ले तक फैली हुई थी। उस समय किसी के घर जाने में किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं थी। उस समय के लोगों की सोच बड़ी थी और अपने मन का भाव उनके विशाल हृदयों में समाया हुआ था। आज लड़कियों के लिए स्थितियों में पूरी तरह बदलाव आ गया है। लड़कियों को खेलने और घूमने की स्वतंत्रता सीमा से अधिक मिल गई है। इसी आधार पर जिला व राज्य और देश स्तर पर भी खेलने जाती हैं। घूमने में भी उनकी यही स्थिति है। लेकिन वर्तमान टीवी संस्कृति का प्रभाव इतना प्रभावी हो रहा है कि अपनत्व और विश्वास की भावना समाप्त सी हो रही है। इसलिए हर माता पिता की लड़कियों के बारे में सोच सजग हो गई है। अब उनके लिए पड़ोसी परिवारजन सा नहीं रह गया है। इस आधार पर घर में ही टीवी देखना और अपने भाइयों बहनों के साथ खेलना लड़कियों की नियति बन गई है। प्रश्न 7। मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार लिखिए। उत्तर, यह सत्य है कि मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, क्योंकि सुख दुख में सबसे पहले आस पड़ोस के ही लोग काम आते हैं और सहयोगी बनते हैं। लेकिन वर्तमान में पाश्चात्य सभ्यता और टीवी संस्कृति के प्रभाव ने महानगरों की कल्चर में रहने वाले लोगों को इतना आत्मकेंद्रित बना दिया है कि वे आस पड़ोस के जीवन से मानो बेगाने हो गए हैं। धन कमाने की लालसा उनके मन में इतनी बढ़ गई है कि उन्हें यही पता नहीं चलता कि उनके पड़ोस में कौन रहता है। संपर्क की बात तो अलग रह जाती है, इसलिए वे पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। प्रश्न 8। लेखिका द्वारा पढ़े गए उपन्यासों की सूची बनाए और उन उपन्यासों को अपने पुस्तकालय में खोजिए। उत्तर, लेखिका द्वारा पढ़े गए उपन्यासों में त्याग पत्र, सुनीता, जैनेन्द्रजीत शेखर, एक जीवनी, अज्ञेयजी, चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा आदि हैं। इसके साथ ही लेखिका ने शरद, प्रेमचंद, यशपाल आदि के साहित्य को भी पढ़ा। प्रश्न 1। एक कहानी यह भी किसके द्वारा लिखा गया आत्मकथ्य है? उत्तर, एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया आत्मकथ्य है। प्रश्न 2। मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था। प्रश्न 3। लेखिका के पिताजी ने कौन से शब्दकोश की रचना की? उत्तर, लेखिका के पिताजी ने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार की रचना की। प्रश्न 4। लेखिका बचपन में कैसी दिखती थी? उत्तर, लेखिका बचपन में मरियल सी, दुबली एवं काली दिखती थी। प्रश्न 5। लेखिका के पिताजी का स्वभाव कैसा था? उत्तर, लेखिका के पिताजी एक तरफ कोमल संवेदनशील थे तथा दूसरी तरफ क्रोधी, शकी और अहंवादी थे। प्रश्न 6। भग्नावशेषों को ढोते पिता पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उनके पिताजी की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, वे अपने पुराने गुणों को बचे खुचे अंशों के सहारे जी रहे थे। प्रश्न 7। लेखिका के पिताजी का शकी होना किस कारण से हुआ? उत्तर, उनके पिताजी को अपनों के विश्वासघात ने शकी बना दिया था। प्रश्न 8। लेखिका पर अपने पिता के कारण कौन से नकारात्मक प्रभाव पड़े? उत्तर, लेखिका हीन भावना से ग्रस्त तथा बहुत अपनों के विश्वासघात के कारण चिड़चिड़ी और शकी हो गई थी। प्रश्न 9। लेखिका को साहित्यिक दुनिया से किसने परिचय करवाया? उत्तर, लेखिका को उनकी हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने चुन चुन कर साहित्य पढ़ने की सलाह दी तथा साहित्य से परिचय करवाया। प्रश्न 10। लेखिका को वर्तमान में कैसा जीवन पसंद नहीं था? उत्तर, लेखिका को महानगरीय फ्लैट्स में रहने वाला एकाकी जीवन पसंद नहीं था। प्रश्न 11। लेखिका ने अपने विद्यार्थी जीवन में किस तरह के कार्यक्रमों में भाग लिया? उत्तर, लेखिका ने हड़ताल, जुलूस, भाषण तथा प्रभात फेरियों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रश्न 1। एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व की कोई 3 विशेषताएं लिखिए।
उत्तर। प्रस्तुत पाठ के आधार पर मन्नु भंडारी के व्यक्तित्व की तीन विशेषताएं ये हैं: एक, नेतृत्व क्षमता। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में छात्रों का नेतृत्व किया, प्रभात फेरियों और जुलूसों में भाग लिया। दो, साहित्य चेतना। मन्नु भंडारी अपने पिता के साथ गोष्ठियों में भाग लेती थी। प्रो शीला अग्रवाल के प्रभाव से उनका लेखकीय व्यक्तित्व उभरा। तीन, विद्रोही स्वभाव। मन्नु भंडारी प्रारंभ से ही विद्रोही स्वभाव की थी। पिता से विद्रोह कर अपनी पसंद से विवाह किया। प्रश्न दो, मन्नु भंडारी के पिताजी के स्वभाव की क्या विशेषताएं थी? उत्तर, मन्नु भंडारी के पिता अत्यंत कोमल, संवेदनशील और प्रखर समाज सुधारक होने के साथ ही शक्की स्वभाव के व्यक्ति थे। वे अंतर विरोधों के बीच जीने के कारण अस्थिर चित व्यक्ति होने के साथ ही बेहद क्रोधी और अहमवादी व्यक्ति थे। प्रश्न तीन, एक कहानी यह भी के आधार पर सन 1946-47 में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, सन 1946-47 के दिनों में आजादी के नाम पर स्त्रियों को उतनी ही स्वतंत्रता थी कि वे घर में आए लोगों के बीच उठे बैठे और देश की स्थितियों को समझें, परंतु घर से बाहर निकलकर हड़तालों जुलूसों में भाग न लें। प्रश्न चार, आर्थिक स्थिति खराब हो जाने पर व्यक्ति के स्वभाव और विचारों में भी परिवर्तन आ जाता है, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर लिखिए। उत्तर, आर्थिक स्थिति खराब हो जाने पर व्यक्ति की प्रसन्नता, उदारता और सदाशयता नष्ट हो जाती है। वो संकुचित, कंजूस और शक्की हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सद्भावनाओं से रहित होकर क्रोधी, अहंवादी, प्रतिष्ठा की झूठी शान रखना आदि विरोधी भावनाओं से ग्रस्त हो जाता है। प्रश्न पाँच, अपनों का विश्वासघात व्यक्ति की दशा और दिशा दोनों को बदल देता है, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अपनों का विश्वासघात व्यक्ति को तोड़कर रख देता है। वो स्थान बदलने के साथ ही शक्की, अहंकारी, क्रोधी और चिड़चिड़ा लेखिका के पिता की भांति होकर अपने व्यक्तित्व को भी खंडित कर लेता है। प्रश्न छह, लेखिका के पिता की कार्यशैली कैसी थी? उत्तर, लेखिका के पिता विद्वान लेखक थे। समय की मार ने उन्हें कमजोर बना दिया था, इसलिए उनकी कार्यशैली अव्यवस्थित हो गई थी। वे फैली बिखरी पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं आदि के बीच कुछ पढ़ते रहते या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। वे घर पर ही आश्रय देकर छात्रों को पढ़ाते भी थे। प्रश्न आठ, पड़ोस संस्कृति मानव मन को प्रभावित करती है, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखिका के एक दर्जन प्रारंभिक कहानियों के पात्र अजमेर के उसी मोहल्ले के रहे जिनके बीच उसका बचपन और किशोरावस्था बीती थी। लेखिका को उनकी जीवन शैली भाव। प्रश्न नौ, लेखिका किसके सहयोग से जागरूक नागरिक बन पाए? उत्तर, लेखिका के पिता ने उसे रसोई घर से हटाकर सामाजिक समस्याओं की ओर उन्मुख किया। उसे घर में होने वाली बड़ी बड़ी चर्चाओं में शामिल किया, जिससे वह उनके सहयोग से जागरूक नागरिक बन पाए। प्रश्न 10, लेखिका के मन में हीनता की ग्रंथि कैसे पनप गई थी? उत्तर, लेखिका के पिता उसकी बड़ी बहन सुशीला को उसके स्वस्थ शरीर, हंसमुख स्वभाव और गोरे रंग रूप के कारण बहुत प्यार करते थे। वे हर बात में उसकी प्रशंसा और उससे लेखिका की तुलना करते थे। इससे लेखिका के मन में अपने आप हीनता की ग्रंथि पनप गई थी। प्रश्न 11, लेखिका के मन में पनपी हीन ग्रंथि का क्या दुष्परिणाम हुआ? उत्तर, लेखिका के मन में पनपी हीन ग्रंथि ने उसे हमेशा के लिए दबा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि वह अपनी उपलब्धियों पर भरोसा नहीं कर पाती थी। खंडित विश्वास के कारण अपनी उपलब्धि को वह तुक्का समझने लगी, उसे वह अपनी योग्यता का प्रतिफल नहीं मानती थी। प्रश्न 12, लेखिका को देश चिंतक बनाने में आप किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हो और क्यों? उत्तर, लेखिका को देश चिंतक बनाने के मामलों में उसके पिता की भूमिका को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही उसे रसोई घर से हटाकर घर में होने वाली राजनैतिक संगोष्ठियों में उठना बैठना सिखाया। प्रश्न 13, प्रो शीला अग्रवाल की जोशीली बातों का लेखिका पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, प्रो शीला अग्रवाल की जोशीली बातों से लेखिका के मन में साहस, जोश और उत्साह का भाव जागा। उसमें साहित्यिक संस्कार पनपने लगे।
परिणाम स्वरूप लड़कियों की अगुआ बनकर हड़तालें करवाने लगी और चौराहों पर खड़े होकर जोरदार भाषण देने लगी। प्रश्न 14। एक कहानी यह भी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि दकियानुसी विचारधारा जहां मन को हतोत्साहित करती है, वही प्रगतिशील विचारधारा मानव मन को गर्वित करती है, अथवा दकियानुसी विचारधारा जहां मानव मन को हतोत्साहित करती है, वही प्रगतिशील विचारधारा मानव मन को गर्वित करती है। एक कहानी यह भी के आधार पर कथ्य को स्पष्ट कीजिए। उत्तर। लेखिका की भाषणबाजी को सुनकर लेखिका के पिता के दकियानुसी मित्र ने जहां उन्हें हतोत्साहित कर लेखिका को घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया था, वहीं वे डॉक्टर अम्बालाल द्वारा लेखिका की प्रशंसा सुनकर गर्वित हो उठे थे। प्रश्न 15। थर्ड ईयर फिर से खुलने की खुशी लेखिका के मन में किस कारण से दबकर रह गई थी? उत्तर। अगस्त 1947 के महीने में लेखिका और उसकी सहेलियों ने संघर्ष करके थर्ड ईयर की कक्षा को खुलवाया था, लेकिन उन्हीं दिनों देश आजाद हो गया। उसी खुशी के आगे कक्षा खुलने की खुशी दबकर रह गई थी। प्रश्न 16। एक कहानी यह भी आपको क्या संदेश देती है? उत्तर। एक कहानी यह भी हमें कई संदेश देती है। पहला संदेश यह है कि स्वतंत्रता और जन आंदोलनों में स्त्री पुरुष की बराबरी की भागीदारी होनी चाहिए। दूसरा संदेश यह है कि माता पिता को में किसी भी तरह से बाधक नहीं बनना चाहिए और संतानों को भी अच्छी परंपराओं और पारिवारिक संस्कारों से अलग नहीं होना चाहिए। भंडारी। प्रश्न 17। लेखिका को अपने पिता से संघर्ष क्यों करना पड़ा? उत्तर। लेखिका के पिता जहां एक ओर सामाजिक प्रतिष्ठा भी बनाए रखना चाहते थे, वहीं दूसरी ओर वे अपनी पुत्री को विशिष्ट बनाने के साथ ही उसे परिवार की मर्यादा में रखना चाहते थे। इसी आधार पर उनकी लड़की ने क्रांति की राह पकड़कर लड़कों के साथ घूम घूम कर नारे लगाए, हड़तालों में भाग लिया। इस कारण लेखिका को अपने पिता से संघर्ष करना पड़ा। प्रश्न 18। किन कारणों से लेखिका के मन में हीन भावना घर कर गई थी? उत्तर। लेखिका की बड़ी बहन सुशीला बहुत ही स्वस्थ और गोरी थी, जबकि लेखिका काली और मरियल थी, जिसके कारण उसके पिता उसकी उपेक्षा कर बातों ही बातों में सुशीला की प्रशंसा किया करते थे। लेखिका उनकी भावना को अच्छी तरह समझ गई थी, जिसके कारण लेखिका के मन में अपने काले रंग और मरियल शरीर के प्रति हीन भावना घर कर गई थी। प्रश्न 1। मनु भंडारी की एक कहानी यह भी का सार संक्षिप्त रूप में लिखिए। उत्तर। मनु भंडारी की एक कहानी यह भी उनके जीवन की प्रारंभिक घटनाओं की कथा है। इसमें मनु लेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। उन्होंने अपने इस आत्मकथ्य में उन घटनाओं और व्यक्तियों को परिप्रेक्ष्य में लिया है जो उनके जीवन से जुड़े हैं। अपने पिताजी, माताजी, भाई बहनों के परिचय के साथ पिताजी के विचारों का संक्षिप्त रूप से वर्णन किया है। युवावस्था से जुड़ी घटनाओं के साथ पिताजी के कार्य व्यवहार एवं उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष रूप से प्रकट हुआ है, जिन्होंने आगे चलकर लेखकीय व्यक्तित्व निर्माण में उनका आधार बने हैं। लेखिका ने प्रमुख घटनाओं के वर्णन से साधारण लड़की के असाधारण लेखिका बनने की कहानी को खूबसूरती से उभारा है। स्वतंत्रता आंदोलन के चरम पर आजादी की आंधी ने मनु भंडारी का भी स्वयं में शामिल कर लिया था। आजादी की लड़ाई में पारिवारिक विरोध एवं सामाजिक हेयता के बीच मनु भंडारी का अपने भाषणों व संगठन क्षमता द्वारा विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। प्रश्न 2। मनु भंडारी की एक कहानी यह भी के आधार पर उनके पिताजी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर। मनु भंडारी के पिताजी एक सुशिक्षित, दरियादिल व संवेदनशील व्यक्ति थे। जब वे इंदौर में रहते थे तब उनकी बड़ी प्रतिष्ठा व सम्मान था। समाज सुधार के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के साथ साथ राजनीति में भी काफी दिलचस्पी रखते थे, लेकिन इंदौर में ही एक आर्थिक झटके के कारण, वो भी अपनों द्वारा किए गए विश्वासघात की वजह से वे इंदौर छोड़ अजमेर आ गए। शिक्षा का वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, वरन 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर में रखकर पढ़ाया करते थे। उन्होंने अपने बलबूते पर हिंदी अंग्रेजी विषयवार शब्दकोश तैयार किया। आर्थिक झटके से उत्पन्न हुई विपरीत परिस्थितियों ने तथा नवाबी आदतों एवं अधूरी महत्वाकांक्षाओं ने उन्हें क्रोधी और शकी बना दिया था। लेखिका और उनके पिता के मध्य अनेक अंतर्विरोध एवं विचार भिन्नता थी। पिताजी एक तरफ विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा रखते थे तथा दूसरी तरफ सामाजिक छवि उत्तम बनी रहे के प्रति सजगता बरतते थे। उनके घर में आए दिन विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहस होती थी।
लेखिका को वह इन सब में शामिल करते थे, लेकिन चाहते थे कि वह ये सब घर की चहारदीवारी में ही रहकर जाने और सुने। क्षण तीन, एक कहानी यह भी कि लेखिका ने आस पड़ोस की संस्कृति के महत्व पर कैसे प्रकाश डाला है, समझाइए। उत्तर, लेखिका ने अपने बचपन की घटनाओं द्वारा यह समझाने का प्रयत्न किया है कि पड़ोस व्यक्ति के निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाता है। जब वह छोटी थी तब उनके लिए परिवार में रहने की ही बाध्यता थी, लेकिन यह परिवार पूरे मोहल्ले को मिलाकर बनता था। मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा थे। आपसी सहयोग, मेलगोल, सद्भावना, सहानुभूति, भाईचारा, अपनापन सभी पड़ोस संस्कृति द्वारा ही प्राप्त होता है। लेखिका की कहानियों के तमाम पात्र इसी मोहल्ले की देन है, जिसे लेखिका ने स्वयं स्वीकार किया है। महानगरों के फ्लैट सिस्टम ने इस अपनेपन की कड़ी को तोड़कर रख दिया है। बच्चों को आपसी मेलगोल से दूर कर संकीर्ण, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। इसलिए महानगरों के निवासी अकेलेपन की त्रासदी झेलने की वजह से अनेक बीमारियों से ग्रसित रहते थे। परिवार के मध्य रहते हुए भी उनकी स्थिति बंद कमरे तक सीमित रह गई है। व्यस्त जीवन और अकेलेपन की प्रवृत्ति ने उनमें आपसी प्रेम सौहार्द एवं मेलमिलाप को खत्म कर दिया है। प्रश्न चार, मन्नु भंडारी अपने व्यक्तित्व में उपजी हीन भावना व कुंठा को किस प्रकार पिता की देन मानती है? डॉट, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखिका के पिताजी संवेदनशील व्यक्ति थे, लेकिन अपनों द्वारा दिए गए एक बड़े विश्वासघात ने उनकी आर्थिक स्थिति बिगाड़ दी थी, जिसकी वजह से वे शकी और क्रोधी हो गए थे। लेखिका को बचपन से ही उनके इस शक का और क्रोध का खामियाजा भुगतना पड़ा। पिताजी को चूंकि गोरा रंग पसंद था और लेखिका काली, दुबली व मरियल सी थी। उनकी बड़ी बहन सुशीला गौरी स्वस्थ और हंसमुख थी, जिसे पिता बहुत प्यार करते थे। वे दोनों बहनों की तुलना करते थे, जिससे लेखिका को सदैव नीचा देखना पड़ता था। पिताजी के इस व्यवहार ने लेखिका के मन में हीन भावना भर दी थी। मान सम्मान, प्रतिष्ठा पाने के उपरांत भी वह इस कुंठा से नहीं निकल पाए। पिता के दोहरे व्यवहार ने उन्हें कदम कदम पर आहत ही किया था। युवावस्था में किए गए कार्यों को पिताजी द्वारा दोहरे मापदंडों ने लेखिका के अंदर उलझन पैदा कर दी थी। विचारों की टकराहट के कारण लेखिका कुंठा हीनता की सदैव शिकार ही रही, जो पिताजी की ही देन थी। प्रश्न पांच, लेखिका मन्नू भंडारी के खंडित आत्मविश्वास को उनकी अध्यापिका द्वारा किस प्रकार उभारा गया? स्पष्ट कीजिए, अथवा मन्नू भंडारी के सफल व्यक्तित्व पर उनकी अध्यापिका की भूमिका पर प्रकाश डालिए। उत्तर, लेखिका मन्नू भंडारी बचपन से ही हीन भावनाओं से ग्रसित थी। उनके अनुसार उन्हें स्वयं को लेकर अनेक कुंठाएं उनके मन में जमी हुई थी। जब वे कॉलेज के प्रथम वर्ष में आई, तब उनका नई नियुक्त हुई हिंदी की अध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। अब तक बिना लेखकों को जाने समझे किताबें पढ़ने वाली मन्नू को शीला अग्रवाल ने प्रसिद्ध लेखकों की विचारात्मक किताबें पढ़ने की सलाह दी। वे उन्हें चुन चुन कर किताबें पढ़ने को देती और बाद में उन पर लंबी बहस भी करती थी। उन्होंने ही मन्नू भंडारी के भीतर छिपी असाधारण क्षमता से मन्नू का परिचय करवाया। लेखिका को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने को उत्साहित किया। उनकी जोशीली एवं आत्मविश्वास से पूर्ण बातों ने ही लेखिका की भूमिका को बदल दिया। उन्हीं के मार्गदर्शन में लेखिका ने हड़ताल, जुलूस, प्रभात फेरियां व भाषणबाजी की। अध्यापिका के प्रोत्साहन ने ही लेखिका के साहित्यिक संसार एवं कार्यक्षेत्र को नई दिशा प्रदान की। प्रश्न एक, मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए संक्षेप में उनके कृतित्व के बारे में भी बताइए। उत्तर, मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में भानपुरा गांव मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी पढ़ाई लिखाई राजस्थान के अजमेर शहर में हुई। हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख लेखिका की रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों को देखा जा सकता है। कहानियां, उपन्यास, फिल्म कथा सभी में उनकी भाषा की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति स्पष्ट दिखाई देती है। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, त्रिशन, कहानी संग्रह आपका बंटी, महाभोज, उपन्यास तथा एक कहानी यह भी, आत्मकथा आदि, इनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए इन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। दिल्ली के मिरेंडा हाउस में अध्यापन के पश्चात आजकल दिल्ली में ही ये स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। एक कहानी यह भी समरी इन हिंदी लेखिका परिचय। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुर, जिला मंदसौर, मप्र
में हुआ था। इनकी इंटर तक की शिक्षा राजस्थान के अजमेर शहर में हुई। बाद में इन्होंने हिंदी में एमए किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, कहानी संग्रह, आपका बंटी, महाभोज, उपन्यास। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी हैं। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए उन्हें हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल हैं।